नमस्ते दोस्तों, अस्ट्रो राघव चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के 10 बड़े धार्मिक दर्शनीय स्थल जिनका हम दर्शन कर सकते हैं और अपना जन्म जो है सफल बना सकते हैं। तो ज़्यादातर जो मंदिर हैं वो जो है उत्तर प्रदेश में है, उत्तरांचल में है, उत्तराखंड में है और हिमालय पर जो है भोलेनाथ जी विराजमान हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है देवियों के काफ़ी मंदिर हैं जिनका दर्शन कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के 10 बड़े धार्मिक दर्शनीय स्थल। भारतीय राज्य जो है उत्तर प्रदेश की स्थापना ब्रिटिश शासक के दौरान 1 अप्रैल 1937 को हुई थी और तब संयुक्त प्रांत आगरा और अवध को मिलाकर तब इसे यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था, जो कि 1950 में बदल करके इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। उत्तर प्रदेश पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, परंतु अब जो है उत्तराखंड के अलग होने से अब राजस्थान को सबसे बड़ा जो है राज्य माना जाता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हिंदुओं के लगभग सभी धार्मिक तीर्थ और स्थल जो है बसते हैं। तो आओ जानते हैं आज 10 बड़े धार्मिक स्थल कौन से हैं। और सबसे पहला नंबर है काशी विश्वनाथ, बम बम भोलेनाथ का। विश्व के सबसे प्राचीन प्रसिद्ध नगरी काशी में द्वादश ज्योतिर्लिंग में बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है और पुरी में जगन्नाथ हैं तो काशी में विश्वनाथ जी हैं। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं और शिव और काल भैरव की यह नगरी जो है अद्भुत है। बहुत ही कहते हैं कि ये तो धरती में है ही नहीं शिव नगरी काशी। काशी जो है इतना पुण्य देने वाला है जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। नदी वरुण और असी के मध्य में बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा है। आप लोग जो है ध्यान दे करके सुन लीजिए, दो नदियों के बीच में है काशी, वरुणा नदी है और असी नदी है, इसी में के बीच में बसा हुआ है, इसी को वाराणसी नाम इसका पड़ा है। गंगा के किनारा, देखने लायक यहाँ पर बहुत कुछ है। मथुरा के किनारे बसी है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा। आसपास के गोकुल वृंदावन गोवर्धन बरसाना, जाओ तो श्री राधे 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 बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है अगर आप वहाँ पर पहुँचें। श्री कृष्ण के जीवन की लीलाओं का स्थल है। भारत के 7 प्राचीन नगरियाँ हैं और सारी जो है मुक्त करने वाली हैं। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका। एक है मथुरा, पौराणिक साहित्य में मथुरा को अनेक नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे इसको सूर्यसेन नगरी भी कहा जाता है, मधुपुरी भी कहा जाता है, मधुनगरी भी कहा जाता है और मथुरा भी कहा जाता है। हरिवंश और विष्णु पुराण के अंतर्गत मथुरा के विलास वैभव का वर्णन मिलता है कि मथुरा के आसपास जो है 12 जंगल हैं, हजारों मंदिर हैं। प्रयागराज है इलाहाबाद जिसे पहले कहते थे। गंगा के किनारे स्थित है, सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है प्रयागराज। तो यहाँ पर जो है गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है। अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि आज तो दो ही नदियाँ वहाँ पर दिखाई देती हैं, गंगा और जमुना का मिलन दिखाई देता है। सरस्वती माता जो है धीरे धीरे ज़मीन में अदृश्य हो गई हैं, नीचे होकर के वहीं पर बह रही हैं। त्रिवेणी के इसी स्थान पर कुंभ का आयोजन होता है क्योंकि यहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी
तो यहाँ पर हजारों वर्ष से जो विद्यमान अक्षय वट है यहाँ पर है, आप जाइए तो दर्शन कीजिएगा। सभी संत के यहीं पर मठ हैं, आश्रम हैं। यहाँ पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने जो है दशाश्वमेध यज्ञ यहीं पर किया था। प्रयागराज से सारे तीर्थ उत्पन्न हुए हैं। प्रयागराज में सैकड़ों धार्मिक स्थल हैं। अयोध्यापुरी को तो आप जानते हैं, सरयू के किनारे जो है बसा हुआ है। सप्तपुरियों में से एक अयोध्या भारत के सबसे प्राचीन नगरी है, जहाँ प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था और अब मंदिर भी बन रहा है जो 3 साल तक बन जाएगा। और आप लोग एक बार जा कर के श्री राम जी के दर्शन कीजिए। और वहाँ पर जो है बहुत बड़ा आयोजन होता है परिक्रमा का, हजारों मंदिर हैं वहाँ। तो 5 कोसी परिक्रमा और 14 कोसी परिक्रमा जो है कार्तिक के महीने में वहाँ होता है। प्राचीन काल में अयोध्या को कौशल क्षेत्र में एक विशेष क्षेत्र की अवध की राजधानी थी, और इसीलिए इसको अवधपुरी भी कहा जाता है। कहते हैं अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू बह पावन। यहाँ पर हिंदू जैन बुद्ध सिख धर्म का प्रमुख स्थल है, और अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के एक बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ प्राचीन नगरी है, जहाँ देखने के लिए कई धार्मिक स्थल हैं, और यहाँ भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम उद्देश्य दिया था। निमसार तीर्थ गोमती नदी के किनारे बसे इस क्षेत्र में पुराणों में बहुत चर्चा होती है। निमसार तीर्थ की जब कोई कथा होती है तो निमसार का नाम जरूर आता है। हिंदू धर्म के एक प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थल है, और बहुत ही खूबसूरत नगर में ललिता देवी मंदिर, पांडव किला, गोमती नदी के घाट का देखना, यहाँ पर बहुत ही सुकून मिलता है, शांति भरा है। यहाँ पर जाने से जो है सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े दानों का भी संहार हुआ था। इसके बाद सारनाथ के बारे में बताते हैं। प्राचीन नगर जो है सारनाथ बौद्ध धर्म के लिए बहुत महत्व स्थान रखता है। सारनाथ वाराणसी शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूर और थोड़ा सा पूरब जा कर के वहीं पर है, बहुत दूर नहीं है। ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने जो है ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उद्देश्य सारनाथ में ही जो है दिया था। और बुद्ध धर्म के अलावा सारनाथ में हिंदू धर्म और जैन धर्म के बीच कई विशाल मंदिर देखने को वहाँ पर मिल जाते हैं। और किसी का जो है जिन्हें किसी का काल ने नष्ट कर दिया है, और देवगढ़ है, ये एक जैन धर्म स्थल है, उत्तर प्रदेश के मौजूदा ललितपुर ज़िले में है। वर्तमान में ये देवगढ़ 31 प्राचीन कालीन यहाँ पर जैन मंदिर बने हुए हैं जो देखने लायक है। देवगढ़ भारतीय इतिहास में अनेक प्रकार की घटनाओं का गवाह है, और देवगढ़ अपने जो है दशावतार मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु का यह मंदिर गुप्तकालीन कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। वृंदावन मथुरा के पास ही स्थित है। मथुरा और वृंदावन थोड़ी थोड़ी दूर पर है। श्री कृष्ण जी की लीला भूमि है यहाँ पर। बांके बिहारी जी का मंदिर है, जो भगवान की मूर्ति वहाँ विराजमान है, और मंदिर के अंदर जहाँ दरबार में श्री कृष्ण भगवान विराजमान होते हैं, वहाँ पर कोई जो है बिजली के बल्ब नहीं लगे हैं, वहाँ दीवा जलता है और भगवान ही काले काले हैं और अंधेरा रहता है, उसमें कम ही दिखाई देता है। भगवान के दर्शन बड़े मुश्किल से होते हैं, और वहाँ पर मूर्ति जो है से स्थापित नहीं की गई है कि वहाँ पर ही रहेगी, उसको गर्मी में बाहर निकाल देते हैं भक्तों के दर्शन के लिए कोई आयोजन होता है तब। तो इस प्रकार से जो वहाँ के पुजारी होते हैं वो पर्दा को हटाते रहते हैं, हटा देते हैं, थोड़ा सा खोल देते हैं, उसी से दर्शन कर लो। ऐसे नहीं है कि खुला रहेगा और आप दर्शन करते जाइएगा। तो वहाँ पर बांके बिहारी जी का मंदिर है जो ज़रूर ही देखना चाहिए। इसके अलावा रंगनाथ मंदिर है, केसी घाटी है, मदन मोहन मंदिर है, गोविंद देव मंदिर है, श्री राधा बिहारी जो है, आस्था सखी मंदिर है, निधिवन है,
निधि वन में तुलसी का वन है और वहाँ पर हजारों बंदर और लोग जो है दिन में रहते हैं, रात में कोई नहीं रहता। अगर रात में कोई ऐसा मानता है, अगर रात में कोई रहे तो वो सवेरे जो है जिंदा नहीं रहता। पहले तो खुला हुआ था, अब उसकी जो है चार दीवारी कर दी गई है, तो चिड़िया तक वहाँ नहीं रहती, वो रात में जो है वहाँ से निकल जाती है। प्रेम मंदिर है, हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर है, जो अंग्रेज को आप देख सकते हैं वहाँ पर। वहाँ पर जो है वो भगवान की बहुत विधिवत पूजा करते हैं। इस्कान मंदिर है, पागल बाबा का भी मंदिर वहीं पर है, और अनेक प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर हैं। वहाँ पर जो है सवामणि ठाकुर जी हैं, जिनकी कथा जो है बहुत विस्तार से कहेंगे तो लंबा हो जाता है वीडियो, अभी ये बहुत लंबा हो रहा है तो इसलिए छोटा ही छोटा बताते हैं, जिसे आप लोगों को याद रहे, पता रहे। चित्रकूट, चित्रकूट के घाट पर भई संतन का भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दिए रघुवीर। ये चित्रकूट का वही स्थान है जहाँ भगवान राम अनुज लक्ष्मण देवी सीता के साथ रुके थे, और यहाँ पर भरत जी ने आकर के उन्हें पुनः जो है जाने के लिए विनय किया था, परंतु श्री राम जी की चरण पादुका लेकर के यहीं से लौट गए थे चित्रकूट से। चित्रकूट अपनी प्राकृतिक सुंदरता और दर्शन स्थलों के लिए बहुत विचित्र है। यहाँ पर हनुमान धारा, राम धारा, जानकी कुंड, कामादगिरी आदि जो है देखने लायक यहाँ पर स्थान है। इसके अलावा आप जो है वहाँ थोड़ा आगे बढ़िए, लखनऊ जाइए, वहाँ पर जो है जैसे आपने सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, जरा धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसी बात आप लोगों ने सुनी होगी। पर वहाँ जाएंगे तो दिखेगा कि बहुत बड़ा जो है वहाँ पर भूल भुलैया बना हुआ है। एक तरफ दीवार के पास जो है बोलेंगे तो बहुत दूर तक दीवार के दूसरी तरफ सुनाई देता है। वहाँ पर आप जा कर के भूल जाएंगे, अंदर बाहर नहीं निकल सकते बिना जो वहाँ के लोग हैं उनकी सहायता के बगैर। झांसी, आगरा, कानपुर, गोकुल, बरसाना आदि जगहों पर भी आप जो है घूम सकते हैं, और ऐसे धार्मिक स्थल हैं। आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो हमने तो बहुत थोड़ा ही बताया है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपको ऐसी देखने मिलेगी जो आपने सुनी नहीं होगी, और हम बताएं तो इसमें पूरा दिन ही निकल सकता है। तो ये हमने जानकारी आप लोगों को दिया है, ये अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिएगा, बताइएगा उनको, और आप भी घूमने जाएं और उनको भी घुमाएं, और हमारी जो है जानकारी दी हुई कैसी लगती है आप लोग हमारे को कमेंट बॉक्स में जा कर के बताइए, और कौन सी जानकारी आपको चाहिए वो जो है हम आपको बताएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, महालक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे।